फॉर टू समर लाइव टीवी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है यूपी में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने सीएम की मौजूदगी में समिट का शुभारंभ भी कर दिया है। इस बार इन्वेस्टर्स समिट में 20 से ज्यादा देशों के 10,000 डेलीगेट्स शामिल हुए। यूपी सरकार का दावा है कि इन्वेस्टर्स समिट में 27 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश का प्रस्ताव आया है। 17,000 से ज्यादा एमओयू साइन हो चुके हैं और आज कई एमओयू साइन हो सकते हैं। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव पश्चिमी यूपी से आया है। यूपी में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने सीएम योगी की मौजूदगी में समिट का उद्घाटन कर दिया है। सरकार ने दावा किया है कि इन्वेस्टर्स समिट में 27 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश का प्रस्ताव आया है और अब तक 17,000 से ज्यादा एमओयू साइन हो चुके हैं और आज कई एमओयू साइन भी हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव आया है वो पश्चिमी यूपी से आया है। डिक्सन टेक्नोलॉजी ग्रुप के चेयरमैन सुनील वाचनी ने इन्वेस्टर्स समिट में ऐलान किया कि उनका ग्रुप यूपी में 3 और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर खोल रहा है। इस समय यूपी में हमारे 10,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। देश में बेचे जाने वाले मोबाइल का 65% उत्पादन यूपी में होता है। यूपी में निवेश के लिए कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, फार्मा, एरोस्पेस और टूरिज्म में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए यूपी पहली पसंद है क्योंकि यहाँ कई धार्मिक, ऐतिहासिक और वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है। टाटा एंड सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि भारत तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश केवल आर्थिक ग्रोथ ही नहीं बल्कि 360 डिग्री डेवलपमेंट करेगा। मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि यूपी में रिलायंस और जियो 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा और इससे 1 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। सीएम योगी को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए यूपी आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश दिख रहा है। अंबानी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की यदि बात हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इज ऑफ डूइंग की बात हो, यूपी ने बहुत विकास किया है। इसी दौरान रिलायंस चेयरमैन ने ऐलान किया कि इसी साल के अंत तक यूपी के सभी जिलों में 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन के बाद रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने समिट को संबोधित किया। मुकेश अंबानी ने संबोधन में कहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट विकास का महाकुंभ है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है, यूपी पुण्य भूमि है, भगवान रामचंद्र की भूमि है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। अंबानी ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि जब से आप पीएम बने हैं देश ने बहुत विकास किया है। बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने उद्घाटन सत्र को सबसे पहले संबोधित किया। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, ऐसा बिड़ला ने कहा। भारत में कई संभावनाएं हैं। पीएम मोदी पर 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास है। मुझे विश्वास है कि अमृत काल में हमारी प्रगति वैश्विक समृद्धि की एक नींव होगी। देश को $5 trillion अर्थव्यवस्था बनाने में यूपी एक अहम रोल अदा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट के जरिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ किया। इसके बाद वहां एक छोटी सी फिल्म भी दिखाई गई। इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में 1 trillion इकोनॉमी बनने के मार्ग पर ठोस कदमों के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक निवेशक को संकल्प के लिए रिद्धि और सिद्धि के से समृद्धि की यात्रा में सहभागी बनने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इस समिट में 13 देशों से ज्यादा के उद्योगपति राजधानी लखनऊ में हजारों करोड़ के एमओयू साइन करेंगे। जिन देशों के औद्योगिक विकास मंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया उनमें संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा एवं अर्जेंटीना शामिल हैं। समिट में करीब 22 लाख करोड़ रुपए के निवेश के करार होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो यूपी इन्वेस्टर्स से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।